ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ସେସନ କୋର୍ଟରେ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇର ଭାଇକୁଲା ଜେଲରେ ରହିବେ। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ସେସନ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। आज सबके सब रिजेक्शन रिजेक्ट हो गए हैं। डिटेल ऑर्डर्स सोमवार को या मंगलवार को मिलेगी, उसके बाद में फिर इन्हें डिटेल तभी पता चलेंगे क्या। खाली आज उन्होंने ऑपरेटिव ऑर्डर पास किया है, बेल इज रिजेक्टेड। नहीं, सोमवार या मंगलवार, यानी इवन सोमवार को भी कंफर्म नहीं है, मंगलवार को। इट इज़ अ बिग ऑर्डर, इट इज़ ऑल अबाउट 6 पर्संस। हम लोगों ने अपोज किया था, वो 27 ए जो ही ग्राउंड है उसका हम लोगों ने फाइल किया। मंगलवार दिन रिया चक्रवर्ती को तीन दिन धरी पचराउचरा कलापर एनसीबी टीम गिरफ्त करी। दुई दिन परे गुरुवार दिन ड्रग्स अनुसंधानकारी संस्था दृढ़ भाव चुक्ति करी जे रिया चक्रवर्ती जेल रहा उचित एवं तांको जमीन प्रदान करा उचित नुहे। कोर्ट शुणाणी में एनसीबी पक्षर आहरी कहुला कि जेहेतु रिया 27 ए नार्कोटिक आक्ट हिसाब से ड्रग्स किणवा रखा एवं तांको बंधु सुशांत को जाणीशुणि ड्रग्स देवापरि संगीन अपराध सह जड़ित तेणु तांको जमानत दिया उचित नुहे, कारण से जेल बाहर को गले हुए तो अपराधर अनेक किसी तथ्य को नष्ट पारती। प्रकाश थाउ कि अभिनेत्री लीगल टीम तथापि स्वीकारोक्ति बृत्ति को चैलेंज करिछंती। सहित रिया भाई और अन्य 6 जनकर मध्य जमानत खारज होइछि, जदिओ रिया तरफ वकिल तांकु कन्फेसन करने को बाध्य करवृत्ति देखते, किंतु यार सत्यता को एनसीबी पक्षर अस्वीकार करा। तबे वर्तमान पर रिया भाइकुल्ला जेल रे 22 तारीख पर्यंत रहिबे बोली सेशन कोर्ट तरफ नोटिस जारी करा। आज यह शुणाणी पर रियां तरफ मुंबई हाईकोर्ट में पिटिशन दायर करा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।